देश व प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ यूपी के कौशाम्बी जनपद के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड 19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। सभी 4 केंद्रों पर चिन्हित किए गए 400 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक को कोरोना का पहला टीका लगा है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है उनको कोविड 19 नियमों को पूरी तरीके से पालन कराया गया है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हुआ है उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया है। प्रथम चरण का टीकाकरण लगाए जाने के बाद इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को द्वितीय चरण का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण करने के बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आधा घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के तौर पर रोक कर रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीएन चतुर्वेदी के मुताबिक जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो भ्रांतियां समाज में फैली थी वह पूरी तरह से निराधार साबित हुई हैं। सीएमओ का कहना है कि देशवासियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि बेहद कम समय में वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बनाकर आम जनता को समर्पित कर दी है। उन्होंने अपील की कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक समय पर सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए। जनपद में कितने स्थानों पर हो रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? भारत सरकार के मानकों के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की गई है। पूरे जनपद में हमारे यहाँ 4 ब्लॉकों में एक एक सेशन साइज पे हो रहा है, तो कुल 4 जगह हो रहा है। टोटल इसमें 100 बेनिफिशियरी पर सेशन के हिसाब से 400 लोगों को आज लगेगा। और इसमें जो बताया गया है कि एक वैक्सीनेशन कार्ड बनेगा जिसमें छपेगा, जिसमें सब लिखा जाएगा, वैक्सीन के बारे में कौन सा टीका लग रहा है ये लिखा जाएगा, कब उनको अगली बार आना है ये भी लिखा जाएगा। और इसमें तरीका इसका वही है कि पहले लोग आते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है ये वही आदमी है या दूसरा है। तो जब ये वेरिफिकेशन हो जाता है तो उनको वेटिंग रूम में बैठा दिया जाता है। इसके बाद फिर उनका वैक्सीनेशन होता है और वैक्सीनेशन रूम में जाने के बाद और फिर वो आधे घंटे तक उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कोई साइड इफेक्ट माइनर मेजर कुछ है तो नहीं, और उसके बाद फिर वो अपने घर जाते हैं। टीकाकरण को लेकर कुछ भ्रांतियाँ थी, तो अब वो भ्रांतियाँ इस ऑब्जर्वेशन के बाद दूर हो गई। क्योंकि ऐसा है, मेरा मानना है कि हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए कि हमने जो है इतना बड़ा काम जो वैक्सीन बनाने का और सुरक्षित वैक्सीन और जिसका कि असरकारी वैक्सीन बनाने का कार्य इतने जल्दी कर लिया दुनिया में, और दुनिया आश्चर्यचकित है। इसमें कोई भ्रांति नहीं है और थोड़ा बहुत जैसे दर्द, हल्का फुल्का दर्द है, बुखार है या वो थोड़ा सा इचिंग वगैरह, ये हो सकता है वैक्सीनेशन में। सारे सबके साथ होता है, सारी टीकों के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं। कोई मेजर साइड इफेक्ट तब तक नहीं रिपोर्ट हुआ है। थैंक यू। टीकाकरण हुआ है, आपने अपने स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले टीका लगाया, उसके बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में भी रहे, जिस तरीके से भ्रांतियाँ थे उसमें ऐसा कुछ आपको फील हुआ? ऐसी कोई भ्रांतियाँ नहीं है और ये एक अधीक्षक होने के नाते यहाँ तक, इसलिए सबसे पहले मैंने टीका लगवाया और उसको नियमानुसार जो है पालन करते हुए बता दिया ऑब्जर्वेशन रूम में उतने समय तक रहा। ये भ्रांतियाँ इससे जो है दूर भी होंगी और इस तरह की जो भ्रांतियाँ पब्लिक के बीच में हैं, हम ये चाहेंगे कि आप लोगों के पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये जो है दूर हों।